सिरोही की रिको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी चंपा लाल ने बताया कि पुलिस ने मावल चौकी पर एक ट्रक की तलाशी ली और इसमें सीमेंट के कट्टों को के नीचे अवैध शराब की तस्कर की जा रही थी और पुलिस ने दो आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि शराब को गुजरात में परिवहन किया जाना था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कल्याण मल्ली द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि एक ट्रक है जिसमें शराब के कट्टों के नीचे शराब पड़ी हुई है, जिस पर पूरे दिन हमारी टीम द्वारा नाकाबंदी की गई। मावल चौकी पर श्री भवानी सिंह हेड कॉन्स्टेबल द्वारा उस ट्रक को रोका गया, जिसमें अवैध शराब भरे होने की सूचना पर मैं भी मौके पर गया। हमने पूरे ट्रक को चेक किया, जिसके अंदर शराब के कुल 309 कार्टून पाए गए जो सीमेंट के कट्टों के नीचे भरे हुए थे। मौके पर से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त शराब आगू रोड से ही किसी ठेके के पास से भरी हुई है जो गुजरात लेके जा रहे थे। रास्ता दिन में शराब है। अभी इस मामले में